उस टाइगर को करते हैं बाय बाय और देखते हैं। और तो गाइस टिकट काउंटर ये रहा, बट हम लोग को जो है यहाँ से 3-4 राउंड मारते 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 यहाँ तक आना है। सो गाइस अपने को विंडो सीट मिल गई है। सो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं FTC चैनल। आज का जो ब्लॉग है वो थोड़ा सा अलग है, मतलब आज हम लोग आए हैं नेशनल पार्क बोरीवली में। तो आज मैं पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूँ अंदर तक का जाके, क्या है क्या नहीं है, कौन से एनिमल्स है और क्या क्या गार्डन है, जो भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी हम लोग ने कर दिए है अपनी बाइक पार्किंग, 1 घंटे का ₹10 है, जितना देर लगेगा अपने को चार्जेस और बढ़ता रहेगा, 2 घंटा हो गया तो 20 हो जाएगा, 3 घंटा हो गया तो 30 हो जाएगा, जो भी रहेगा मैं आपको बताता हूँ। अभी चलते हैं फटाफट, टिकट की लाइन लगाते हैं और देखते हैं अपने को कितना देर लगता है। बहुत गर्दी आज, मैं आपको भीड़ भी बता देता हूँ। आज एक्चुअली कैसा है ना, दिवाली का सेकेंड डे है तो मजबूत भीड़ है एकदम, मैं आपको बताता हूँ फिर उसके बाद निकलते हैं। सो गाइस गाड़ी को लगा दिया हम लोगों ने पार्किंग में और ये अपने को टोकन मिला है 1 घंटे का ₹10 है और अभी लाइन लगाना है अपने को। गाइस मजबूत वाली लाइन है, देखते हैं अभी अपनी लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है। गाइस अभी चलते हैं हम लोग, टिकट को निकालते हैं, देखते हैं कितना क्या है प्राइस। तो गाइस टिकट काउंटर ये रहा, बट हम लोग को जो है यहाँ से 3-4 राउंड मारते 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 यहाँ तक आना है। कम से कम 500 लोग दिख रहे हैं मेरे को तो। सो गाइस अपने को टिकट मिल गई है और टिकट का प्राइस जो है ₹94 है। सो गाइस टिकट हम लोगों ने निकाल लिया है, तो अभी मैं वापस से आया हूँ। एक्चुअली मेरी गाड़ी में ना पानी की बोतल है, तो वो पानी की बोतल लेके चले जाएंगे हम लोग अंदर, बिकॉज अंदर धूप है तो अपने को लग सकता है, क्या पता कितना चलना पड़ेगा अपने को और कितनी बड़ी गार्डन है मुझे वो भी नहीं मालूम। तो बोतल लेते फिर निकलते अंदर, अपने पास टिकट है। सो गाइस ये एंट्री है और चलते अभी फटाफट अंदर, देखते अपने को क्या क्या देखने के लिए मिलता है आज। सो गाइस ये एक्चुअली है हाईलाइट है लगता, मतलब अंदर जाने का फीस वीस चार्जेस विर्जेस जो भी है, टेंट स्टे, यहाँ पे रुकने का प्राइस, अगर रुकना है यहाँ पे टेंट, ये सब प्राइस है। चलते अभी अंदर देखते हैं अपने को क्या क्या देखने के लिए मिलता है। अभी तो मैं फ़िलहाल जस्ट एंट्री किया हूँ ये गेट से, अभी देखते आगे आगे क्या देखने के लिए मिलता है अपने को। सो गाइस ये पूरा इंट्रोडक्शन है, मतलब यहाँ से लेके पूरा 7-8 किलोमीटर तक का है। साइकिलिंग है, बोटिंग है, जो भी है, टाइगर वाला पॉइंट है, पूरा चल के जाने का अपने को धीरे धीरे धीरे। अगर गाइस किसी को ना बस से जाना रहेगा ना, तो वो बस की भी लाइन है इधर पे, तो ये बस की लाइन है और वो कंडक्टर खड़ा है, तो अपने को समझ भी नहीं आ रहा ये बस की लाइन है या राशन की लाइन है, इतनी लंबी लाइन वहाँ तक की। चल के जाना सही रहेगा या बस से जाना रहेगा, सही समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अगर बस से गए तो एक बार मास्टर से पूछता हूँ मैं क्या है क्या नहीं। तो गाइस यहाँ से कम 2-2.5 घंटा लगने वाला है अपने को चल के जाने के लिए, मतलब 4 या 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से हर एक स्पॉट, एक एक छोटा छोटा स्पॉट। तो मैंने सोचा, एक बंदे से मैंने पूछा भी कि भाई क्या टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, उसने बोला कि 2-2.5 घंटा लगेगा सिर्फ जाने के लिए आपको, और फिर आने के लिए 2-2.5 घंटा लगेगा। तो आप पैदल जाओ, पूरा एक्सप्लोर कर लो, जो भी आपको एक्सप्लोर करना है, वीडियो बनाना है, और फिर आते वक्त बस से आ जाना, ₹13 लेता है बस वाला, आपको छोड़ देगा। मैंने बोला हाँ ये आइडिया सही है, जाने के टाइम पर अपने को पैदल जाना है एक्सप्लोर करते हुए हर एक लोकेशन को, स्पॉट्स को, और उसके बाद आते वक्त बस में बैठ के आ जाएंगे हम लोग ₹13 दे के, ये सही रहेगा। तो अभी देखते हैं फर्स्ट स्पॉट्स क्या देखने के लिए मिलता है अपने को, जो भी रहेगा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फिलहाल जाओ आप लोग फटाफट जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो मारो, यहाँ पर ID दिख रही है। और हाँ गाइज एक और बात, मैंने टिकट निकालने के बाद जब एंट्री किया तो किसी ने भी चेक नहीं किया टिकट लिया नहीं लिया, सबके सब ऐसे ही जा रहे हैं अंदर। अब पता नहीं जाने के बाद में चेक हो सकता है टिकट, तो वो देखना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल तो मैं एंट्री लिया हूँ तो चेकिंग हुई नहीं है। सो गाइस ये छोटा सा गार्डन है बच्चे लोग के लिए, झूला विला झूलने के लिए है, वहाँ पे बैठने के लिए है, और यहाँ पे कुछ सांप का भी शायद दिखा रहा है। 500 मीटर चल दिया हो गाइस, लेकिन अभी तक का कोई भी एनिमल मुझे दिखा नहीं है, बस छोटे मोटे गार्डन वीडन दिख रहे हैं, और देखते हैं अभी आगे चल के। यहाँ पे ना ऑलमोस्ट 10 से 13 साल के बाद आ रहा हूँ, मतलब 2010 या 11 में आया था मैं नेशनल पार्क, जब नेशनल पार्क में इतना कुछ खास था नहीं,
बस नॉर्मली थे, थोड़े बहुत जानवर थे, एनिमल्स थे। बट अभी बहुत सुना मैंने कि अभी बहुत ग्रो हो गया है नेशनल पार्क, तो मैं बोला चलो एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या नया कोई चीज़ें आई है और क्या क्या नया एनिमल आए। तो देखते हैं, जो भी मैं देखूंगा आपके साथ भी शेयर करूंगा। अभी तक तो कुछ दिखा नहीं है मेरे को गाइस, सिर्फ ये जंगल, हरे भरे जंगल, और ये छोटू दिखा है मेरे को बस। और अभी तक का एक भी एनिमल तो दिखाई नहीं। देखते हैं और कितना चलना पड़ेगा। अभी मेरे हिसाब से 700-800 मीटर चल दिया हूँ, और ये पूरा गार्डन को एक्सप्लोर करने में कम से कम 7 किलोमीटर है, 2 से 2.5 घंटा लगने वाला है, पहले ही अपने को बता दिए पब्लिक ने, तो भी देखते हैं हम लोग। ये भी स्पॉट एक नंबर है, यहाँ पे गार्डन जैसा है, यहाँ फैमिली सब बैठ के इंजॉय कर रही है, खाना पीना खाना है किसी को, खाना है या बैठना है, आराम करना है, रेस्ट करना है, कर सकते हैं यहाँ पे, और साइकिलिंग विकलिंग भी कर रही है यहाँ पे पब्लिक। देखते हैं अभी और आगे जाके। सो गाइस, अभी तक का मुझे ना ये सब पोस्टर ही विस्टर ही दिख रहा है कि यहाँ पैरेट है, ये है, वो है, बट अभी तक का मुझे कोई भी एक एनिमल भी नहीं दिखा है। बस ये छोटे मोटे गार्डन दिख रहे, बच्चे लोग खेल रहे हैं यहाँ दिख रहे, और यहाँ पे अपने को बाइक अलाउड नहीं थी, अगर बाइक मिल जाती तो फटाफट हम लोग एक्सप्लोर कर देते फटाफट, तो चल के नहीं जाना पड़ता रेंग रेंग। और गाइस, टिकट का प्राइस भी बहुत हाई है, 95 रुपया है, मतलब 94 या 95 रुपये, कुछ 94 था, बट मेरे से 1 रुपया ज़्यादा लिया क्योंकि उसके पास चेंज नहीं था। गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं बोटिंग में, मतलब यहाँ से आपको अगर बोटिंग करना है, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, एकदम माइंड रिलैक्स हो जाता है यहाँ पे बोटिंग करने का एकदम फुल। यहाँ पे फीस भी लिखा हुआ है, 2 सीट का 94 है, 4 सीट का 190 है, इस तरह से है, सिंगल सीट का तो दिखा नहीं रहा। तो यहाँ पे बोटिंग करने का एक नंबर मज़ा, एकदम सुकून रिलैक्स। तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं और आगे क्या देखने के लिए मिलता है अपने। सो गाइस, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है, फटाफट आप पढ़ लो, लीपर्ड मूवमेंट इन द एरिया बियॉन्ड 6 PM इवनिंग। चलते हैं अभी आगे, कुछ देखने तो अभी तक मिला नहीं इन्फॉर्मेशन के अलावा। और यहाँ पे भी शायद से थोड़ा सा नदी टाइप में दिख रहा है, लेक टाइप में, और यहाँ पे भी एक लेक टाइप में दिख रहा है। बट अपने को ना गाइज, कुछ भी अभी तक एक भी एनिमल देखने के लिए नहीं मिला है अपने को अभी तक का, सिर्फ ये गार्डन वगैरह, इसी के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखते हैं और आगे जाके। सो गाइज, अभी तक का मुझे एक एनिमल दिखा है, बंदर, मंकी। कलिंगड़ खा रहा है। ये झाड़ के पीछे साइड में भी एक बंदर है, वो देखो वहां पे भी दिख रहा है। बंदर एकदम खुले हमें आगे भी है। छोटा सा मंकी, मंकी का बच्चा। मुझे लगता है गाइस, अपने को ना ये टाइगर सफारी देखने के लिए एक और लाइन लगाना पड़ेगा, मतलब ये लाइन लगा के अपने को एक और टिकट निकालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में अपने को आगे जाने का मौका मिलेगा। तो गाइस, ये जो लाइन है, ये है टाइगर सफारी की बस की लाइन। तो गाइस, 124 रुपये की टिकट हम लोगों ने निकाले है, ये बस की है, और ये बस अपने को घुमाने वाली है टाइगर सफारी, जो जो आगे है ना पॉइंट्स वहाँ पे। तो पहले हम लोग पानी भर लेते गाइस यहाँ से, उसके बाद में फिर बस की लाइन में खड़ेंगे। तो गाइस, यहाँ पे एक बस खड़ी है और यहाँ पे एक बस खड़ी है, और अपने को जाना है, लाइन लगाना है, तो अपनी लाइन एकदम पीछे है, मतलब ये एकदम प्रोटेक्शन वाली गाड़ी है, मतलब चल के जा नहीं सकते टाइगर सफारी पॉइंट्स में, तो अपने को बस से जाना पड़ेगा। तो चलते फटाफट, और अपनी लाइन एकदम पीछे है, तो वहाँ पे जाके अपनी लाइन लगाते हैं, और फिर बस से हम लोग नज़ारा देखेंगे क्या क्या देखने के लिए मिलता है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. 30 minutes later. So guys, एक और बस आ गई है, तो अपने को जाना पड़ेगा आगे।
अगर अपना नंबर आ गया तो अपन यही बस में चढ़ेंगे, अगर नंबर नहीं आया तो सेकंड बस में चढ़ेंगे जो कि पीछे से आने वाली है। अपने नंबर्स जहाँ पे हैं वहाँ पे जाके खड़े होते हैं फिलहाल। आराम से बैठ सो गाइस, अपने को विंडो सीट मिल गई है। जब तक का ये बस फुल नहीं होती है और खड़े रह के किसी को जाने देने वाला है नहीं, और बाहर लाइन भी है, ये बस के बाद में फिर वो दूसरी बस आएगी तो उसके लिए। तो अभी हम लोग तो बैठ गए विंडो सीट पे, यहाँ से एकदम एक नंबर व्यू आएगा अपने। सो गाइस, अपनी बस निकल चुकी है, देखते हैं अभी अपने को क्या क्या देखने के लिए मिलता है। Moments later. So guys, दो शेर हैं यहाँ पे। असली असली सांस ले रहा है वो। ले रहा है, ले रहा है। उसका पेट हिल रहा है। So guys, अभी तक का हम लोगों ने जो देखा वो शेर बब्बर था। यहाँ पे है टाइगर, एक नंबर कड़क, देख ले उज्जू। यहाँ दिखा, अब जाके शेर दिखा, टाइगर दिखा है, फुल ओपन एकदम। जंगल में रहता है। वहाँ से यहाँ तक का चलने का पैसा दिया है उसको। बस इतना ही चलता है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। बोले एकदम खतरनाक क्या चलो अभी गाइस ये देख लिया, मतलब पैसा वसूल हो गया अपना बस का, एंट्री फीस सब। टाइगर को करते हैं बाय बाय और देखते हैं और भी कुछ है क्या यहाँ पे। यहाँ पे भी एक, वहाँ पे भी, हाँ जिंदा है, जिंदा है। इधर भी एक टाइगर है और वहाँ पे भी टाइगर। इधर एक सो रहा है, यहाँ पे एक है।
है, मतलब तीन चार टाइगर है इधर। यहाँ दो दिखा, वहाँ पे एक दिखा था बीच में, और वहाँ पे एक जो घूम रहा है वो, चार टाइगर है इधर। और ये थोड़ा पिंजरे में, ये देखो उठा, इन लोगों को पिंजरे में रखा है, बाकी एक को एकदम ओपन छोड़ के रखा है। ये एकदम खूंखार टाइगर दिख रहा है एकदम। चलो बाय बाय गाइस, ये गेट खुला और फिर अभी ये गेट बंद हो जाएगा। तो गाइस इतना कुछ ज़्यादा कुछ खास देखने के लिए तो नहीं मिला, बट टाइगर और लायन दो चीज़ मिला अपने को देखने के लिए 124 रुपया खर्चा करके। ठीक है, वहाँ पे पैदल जा नहीं सकते थे बिना बस के, तो बस करना ही पड़ता है अगर वो आपको देखना है तो। तो अभी देखते हैं कोई दूसरा स्पॉट्स चलते हैं, वहाँ पे कुछ देखने के लिए मिलता है क्या, देखते कुछ और कुछ और। अभी इतना दूर आए हम लोग खर्चा करके, तो पूरा एक्सप्लोर करके ही जाएंगे, है ना। सो गाइस हम लोग यहाँ से आए थे और फिर उसके बाद में टाइगर और लायन बिन देखने के लिए हम लोग इधर गए थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या शॉट हो रहा है रे। अच्छा, मंकी को देख के ऐसा कर रहे क्या, मुझे लगा क्या सांप भी भागे क्या। तो ये रहा मंकी और उसके बच्चे भी है शायद आगे। तो यहाँ से तो हम लोग जाके आ गए, लायन सफारी जो भी था देख के आ गए, और अभी बचा हुआ है ये वाला रूट। तो अभी जाते हैं फटाफट ये रूट पे, थोड़ा देख के आते हैं। ये बंदर आराम फरमा रहा है इधर। बंटा है, बाय बाय, उसका बेटा देखो। चलते हैं अभी आगे और देखते हैं आगे अपने को क्या देखने के लिए मिलता है। तो गाइस अभी 4:10 बाकी है 4 बजने के लिए, और ये जो पार्क है ये कुछ 6:30-6 बजे तक बंद हो जाता है। तो मैं फटाफट थोड़ा चल रहा हूँ ताकि एक्सप्लोर कर सकूँ, नहीं तो फिर मालूम पड़ा आधे में भगा दे रहा है कि भागो यार, बंद हो गया तो फिर शॉर्ट हो जाएगा, है ना। तो चलते फटाफट, ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो भी रहेगा फिर भी मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज़ ये जो पार्क है ना, इतना बड़ा पार्क है ना कि इसको एक दिन में एक्सप्लोर ही नहीं कर पाऊँगा मैं, मुझे ऐसा लगता है। इतनी सारी यहाँ पे रूट है, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कौन सा रूट मैंने किया और कौन सा रूट मैंने नहीं किया हूँ, समझे क्या। तो अभी तक का तो मैंने सिर्फ ये बंदर, टाइगर और लायन के सिवा कुछ भी नहीं देखा हूँ, और हिरन दिखे थे एक दो। देखते गाइस अभी कुछ देखने के लिए मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस ये जो पार्क है ना, इसका मैनेजमेंट है ना एकदम बकवास बोले तो एकदम थर्ड क्लास। कुछ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ गाइड नहीं, कुछ नहीं कि किस साइड में क्या है, किस साइड में क्या है, कुछ भी प्रॉपर नहीं है। पैसे तो इतना भर भर के ले रहे, एंट्री फीस लिए 94 रुपया, बस की फीस लिए 124 रुपया, बाइक का जो पार्किंग का चार्जेस है उसका भी है कुछ, पर घंटे का है 10 रुपया, 3 घंटा हुआ तो 30 रुपया पैसा लेने के लिए बराबर ले रहे लोग। बाकी सर्विस कुछ भी नहीं दे रहे बराबर प्रॉपर, ना इन्फॉर्मेशन ना गाइड, किस साइड में क्या है, किस साइड में कुछ क्या है, कुछ समझ में नहीं आता इधर पे। जो डायरेक्शन में जा रहे हैं वहाँ पे लिखा रहना चाहिए कि क्या है ये डायरेक्शन में, हिरन है, शेर है, टाइगर है, जो भी है। अब ये क्या है समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो यहाँ पे कुछ डायरेक्शन ही नहीं है तो समझ में नहीं आता कहाँ जाना है कहाँ नहीं। चलते अब इस साइड में। सो गाइज मैंने एक आंटी से पूछा हो जो पीछे बैठी थी यहाँ पे, आंटी हाँ ये रही यहाँ पे बैठी है। तो ये आंटी को पूछा मैंने ये पूरे पार्क में क्या क्या देखने के लिए मिलता है, तो आंटी ने बोली कि दो चीज़ है, एक तो लायन सफारी जो हम लोगों ने देख लिया, और दूसरा ना एक म्यूज़ियम करके कुछ है। तो अभी हम लोग उधर ही जा रहे हैं म्यूज़ियम में, क्या है क्या नहीं देखने के लिए। अभी मुझे भी पता नहीं, मैं खुद फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, इससे पहले आया था 10-12 साल हो गया, इससे पहले जब आया था जब ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अभी देखते हैं म्यूज़ियम में क्या क्या है। आई थिंक मैं किसी के मुंह से सुना था जब मैं लाइन में लगा था, जब कुछ नकली है, कुछ हर एक चीज़ का पुतला वितला बना हुआ है ऐसा करके किसी ने बोला था। तो हम लोग अभी जाके थोड़ा देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं क्या है क्या नहीं म्यूज़ियम में। सो गाइस मुझे लगता है यही है, अभी जाके देखते हैं अंदर क्या है। एक गुफा टाइप दिख रही है, तो अच्छा यही है मतलब।
यही है लगता है म्यूजियम। पर भी कुछ है शायद। ये पूरा इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, रॉयल बंगाल टाइगर सेम मेरे घर के नीचे ऐसी बिल्ली रहती है, सेम टू सेम मेरे घर के नीचे ब्लैक कलर की। यहाँ पे क्या हो गया गाइस, लाइट को क्या हो गया ये? जब हम लोग शेयर मार्केट खेलते हैं तो सेम ऐसा ही बुल दिखता है हम लोग के ऐप में। लेपर्ड कैट एकदम रियल दिख रहा, लेकिन पुतला है ये मार्बल कैट है, ये मार्बल कैट फिशिंग कैट सब अलग अलग है। तो गाइस ये था एक म्यूजियम, मतलब नकली सब रखे हैं यहाँ पे, और भी होगा शायद यहाँ पे कुछ देखने के लिए, बट यहाँ पे ऐसा कोई डायरेक्शन है नहीं, मतलब बताने वाला कोई भी गाइड नहीं है यहाँ पे, तो अपने को भी समझ में नहीं आ रहा है। एक आंटी से पूछा था मैं कि मैडम यहाँ पे क्या क्या है देखने के लिए, तो आंटी ने बोली दो चीज़ है, टाइगर सफारी जो कि हम लोगों ने घूम लिया, और दूसरा जो है म्यूज़ियम, ये जो अभी हम लोग जाके देख के आए। नकली टाइगर, नकली ये, नकली वो, नकली पुतले ये सब बना के रखे इन लोगों ने, ऐसा बना के रखे एकदम असली है जैसे कि। तो अभी निकलते हैं गाइस, हो गया जितना घूमना था हम लोगों ने घूम लिया, तो अभी बारी है थोड़ा सा एग्जिट मारने की, तो देखते हैं अभी बाहर निकलता हूँ, अगर इस बीच में अगर कुछ देखने के लिए मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको एंड करता हूँ। तो गाइस मैंने ये जो गाड़ी वाली मैडम है उनको पूछा कि यहाँ पर कुछ और देखने के लिए भी है क्या, तो मैडम ने बोली एक और म्यूज़ियम है आगे, सीधा जाके लेफ्ट मारो। मैंने पूछा कि मैडम वहाँ पर क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, तो मैडम ने बोली कि वहाँ पे ना रियल स्किन है, मतलब शायद से टाइगर या किसी की भी कोई एनिमल की रियल स्किन है। तो मैं बोला अभी इतना दूर आ गए तो उसको भी देख ही लेते हैं, ठीक है। एक और था वो गुफा, वहाँ पे टाइम हो गया नहीं जा सकते अभी क्योंकि 4:30 बजे एंट्री बंद हो जाती है। एक्चुअली मैं गया था टाइगर सफारी देखने, या तो फिर मैं उस साइड जाता तो टाइगर सफारी छूट जाता, टाइगर सफारी गया तो वो छूट गया मेरा, तो कोई बात नहीं, जो भी देखे मज़ा आया, पैसा वसूल हो गया अपना। तो अभी चलते हैं ये जो लास्ट है उसको देख के निकलते हैं। तो गाइज सेकेंड वाला जो अपने को म्यूज़ियम दिखा है वो सामने, तो अभी चलते हैं फटाफट, देखते हैं कि अंदर क्या देखने के लिए मिलता है। सुनने में तो आया है कि रियल स्किन है एनिमल्स की, टाइगर चीता जो भी रहेगा उसकी, तो एक बार जाके देख लेते हैं रियल अपनी आँखों से, और अपने कैमरे में भी कैच कर लेते हैं कि क्या है देखने के लिए अंदर, है ना, क्योंकि बार बार तो अपने को आने मिलने वाला है नहीं, एक बार आए तो अच्छे से शूट करके रख लेंगे, तो अपने YouTube पे भी पड़ा रहेगा, जब चाहिए अपने को देखना रहेगा तो हम लोग देख सकते हैं। सो गाइस ये रहा, तो अभी जाते हैं अंदर और देखते हैं अपने को अंदर क्या देखने के लिए मिलता है। We'll be right back.
गाइज एक्सप्लोर हो गया जो देखना था, सब एनिमल्स जितने भी दिखाया मैंने आपको वो सब नकली थे, मतलब रियल चमड़ी थी उनकी, रियल स्किन थी, बट लकड़ी या जो भी है स्टैचू पे उन लोगों ने वो लगाया था। तो अभी निकलते हैं ये वाली रिक्शा में, सीधा अपने को ये गेट पे छोड़ेगी और गेट पे अपनी गाड़ी है पार्किंग पे, वो गाड़ी लेके निकलना है अपने को। तो ये गाड़ी वाला अपने को छोड़ेगा गेट तक का, उसका 50 रुपया लेगी ये। चलते हैं, अभी कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ से कम मेरे हिसाब से 3 किलोमीटर दूर रहेगा, 3 से 4 किलोमीटर दूर। तो अभी इतना थक गया हूँ मैं कि चल के जा नहीं सकता हूँ, तो ऑटो में ही जाएंगे हम लोग, है ना। तो अभी चलते हैं फटाफट ऑटो में और जाते हैं गेट पे। तो गाइज ये म्यूज़ियम से ना अपना मेन गेट जो है ना 2.5 किलोमीटर दूर है। सो ये गाड़ी में सिर्फ एक ही जगह है, वो जगह सिर्फ मेरे लिए आंटी ने बचा के रखी थी। तो मैंने आंटी को बोला, आंटी मेरे लिए एक सीट बुक कर देना, किसी को बिठाना मत, मुझे एग्ज़िट गेट पे छोड़ देना। तो आंटी बोली हाँ एक ही सीट है, टेंशन मतलब आप आ जाओ। तो अभी जितने भी लोग इनकी गाड़ी से आए थे वो अंदर गए, अब वापस आएंगे वो लोग, गाड़ी में बैठेंगे तो अपनी सीट एक है रिजर्व है, टेंशन नहीं, अपने को एग्ज़िट गेट पे छोड़ देगी। यहाँ पे एक चीज़ तो फ्री है, वॉशरूम। हर चीज़ का पैसा, हर चीज़ का एंट्री फीस 94 रुपया, उसके बाद में बस का फीस अलग, फिर उसके बाद में गाड़ी का फीस अलग, आने जाने का फीस अलग, सिर्फ वॉशरूम फ्री है, एक चीज़ अच्छी है। सो गाइज 1:09 पे मैंने गाड़ी पार्क किया था और अभी हो रहा है 4:50। तो अभी देखते हैं कितना रुपया लेता है अपने से पार्किंग वाला। सो गाइज 40 रुपया लिया है पार्किंग वाले ने, टाइम हुआ था 3:30, 3:35 वो अपनी गाड़ी को यहाँ पार्क करके, और 40 रुपया लिया है। तो अभी अपनी गाड़ी लेते हैं और निकलते हैं। निकलने का क्या गाइस, मतलब अभी घर पे ही निकलना है, तो वीडियो को भी मैं यहीं एंड कर देता हूँ, ठीक है। सो पूरा हम लोगों ने एक्सप्लोर किया नेशनल पार्क को। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना, लाइक करके मुझे बता देना कि किस तरह से आपको वीडियो लगा, ठीक है। वीडियो को एंड करते हैं अभी। वीडियो आपको कैसी लगी गाइस, अंगार आफत आतंक मौज जहर जख्म जो भी लगे मेरा भाई, लाइक शेयर कमेंट करके बता देना। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन रहेगा रेड कलर का, उसको भी दबा देना। फिर मिलेंगे ऐसी किसी बहुत डासू वीडियो के साथ में, जब तक के लिए देखते रहिए FTC चैनल। और हाँ, दुआ में याद रखना और मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना, ऑलवेज स्टे एक नंबर। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ठीक है। इंस्टाग्राम की ID दिख रही है यहाँ पे, IAM खान सलमान, फटाफट जाके फॉलो मारो। चलो मिलता हूँ कल, बाय।